हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर 6 ऑफ 3डी ज्योमेट्री। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ 11.2। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, जो इसके एग्जांपल्स 11.2 के वो हमने कंप्लीट किए। तो आप देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो आंसर फर्स्ट काम करते हैं। आपके पास गिवन में क्या है कि सो दैट द थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपके पास हैविंग डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन डायरेक्शन कोसाइन आएगा। यहां पे गिवन डायरेक्शन कोसाइन, तो आप क्या लिखोगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन आर, क्या क्या है डायरेक्शन कोसाइन आपके पास, क्या है 12/13, -3/13, -4/13। आपके पास ये फर्स्ट लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। सेकंड लाइन आपके पास है 4/13, यहां से 4/13, 3/13 आपके पास गिवन है। और थर्ड लाइन आपके पास गिवन है 3/13, -4/13, 12/13, ये आपके पास गिवन है डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने क्या करेंगे, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, इसको एक को L1 से कंसीडर करते हैं। L1 है हमारा 12/13, M1 है हमारा -3/13 और N1 है हमारा -4/13। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन थी, सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमने L2 से कंसीडर किए हैं। L2 है हमारे पास 4/13, M2 है हमारे पास 4/13 और N2 है हमारे पास 3/13। इसी प्रकार हम करें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ थर्ड लाइन का, तो डायरेक्शन कोसाइन वो क्या है, L3 है हमारे पास 3/13 और L3 के बाद M3 है, ये होगा -4/13 और N3 है 12/13। ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा इफ, ये रूल आपने, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर, तो आपने ये रूल पढ़ा होगा कि अगर कोसाइन दे रखे हो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0 होगा, अगर उनके डायरेक्शन कोसाइन हो, ये कंडीशन अगर हम ले आते हैं तो हमारे रूल परपेंडिकुलर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे पहले करो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, ये निकालिए। तो L1 मेरे पास है 12/13 × 4/13 + ये है -3/13 × 4/13, ये होगा +-4/13 × 3/13, ये हमारे पास आएगा। तो यहां से आएगा 48/169, यहां से आएगा 12/169 और ये भी आएगा -12/169। यहां से कहीं ना कहीं हमारी कोई दिक्कत, इसमें प्रॉब्लम है, जहां देखिएगा एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं। यहां कहीं ना कहीं हमारी, हमने डायरेक्शन कोसाइन में मिस्टेक की है, क्योंकि अगर आंसर अगर 0 नहीं आता तो इसमें मिस्टेक है। हम क्वेश्चन को अगर फिर से चेक करते, देखिए क्वेश्चन को हम फिर से चेक करें, यहां से हमारे पास -3 -4 = 12/3, यहां हमारे पास 12 है, ये मिस्टेक है, देखिएगा ये मेरे पास 12 आएगा, यहां पर 12 है, 3 - 4 ठीक है और सब राइट है, यहां हमारा 12 आएगा, ये 12, तो मेरे पास ये आ जाएगा 12/13, तो यहां से 12 होगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां हमने मिस्टेक कर दी थी, और यहां से 169 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 48/36 = 12, तो 0/169, तो 0 आ गया। अब 0 आ रहा है फर्स्ट टू लाइंस का, सो लाइन फर्स्ट
एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर। तो जैसे ये आप कर सकते हो, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन हमारी है, ठीक है। उसी प्रकार हम करेंगे सेकंड और थर्ड। देखिए हम निकालेंगे L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस M2 M3, तो यहां से आएगा 4/13 3/13 प्लस 12/13 माइनस 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। आप देखो इसको भी ऐड करोगे तो सेम हमारे पास आंसर क्या आएगा, 169 एलसीएम आ गया। ये हो जाएगा हमारा 12, ये 48 प्लस 36, ये भी जीरो आएगा। तो हमारी क्या होगी, सेकंड परपेंडिकुलर टू थर्ड, कि सेकंड और थर्ड लाइन भी परपेंडिकुलर हो गई। फिर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड का करेंगे, इस लाइन का और इस लाइन का। तो L1 L3 यहां से होएगा M1 M3 N1 N3, तो यहां से आप देखो 12/13 इंटू 3/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू माइनस 4/13। यहां से N1 है माइनस 4/13 इंटू ये होगा 12/13। आपके पास आया क्या, ये मेरे पास आ गया 169। तो 169 आ गया, तो यहां से आएगा 36 प्लस 12 माइनस 48, जीरो आंसर आ गया। तो हमारी क्या हो गई, थर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट हो गई। अब आपने दिस इंप्लाइज फाइनली देखा क्या, लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड, परपेंडिकुलर टू लाइन थर्ड, तो तीनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस क्या करोगे, थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हम करेंगे जो हमने जो आंसर आपको फर्स्ट करवाया है, जो आसान है, आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सेकंड क्वेश्चन में गिवन में क्या है आपके पास, ये आपके पास टू लाइनें हैं जो जिनके हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यही सेम कंडीशन यहां देखनी है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू थ्रू द पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट वी हैव गिवन पॉइंट्स, ए हमने कंसीडर किया, ए हमने कंसीडर किया है, ये है 1-1 2, पॉइंट बी हमें गिवन है 3-4-2, एंड पॉइंट सी हमारे पास गिवन है, सी मेरे पास है 0-3-2, एंड पॉइंट डी गिवन है वो मेरे पास है 3-5-6। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो ए बी, आपको ए बी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना होता है, क्या होता है, x2-x1 y2-y1 z2-z1, ये हमारा हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे हम, दैट इज हमारा आया क्या, यहां से 2-5, यहां से 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो सी डी परपेंडिकुलर करना है ना, सी डी, तो यहां से क्या है 3-0, 5-3, 6-2, दैट इज आपके पास आ क्या रहा है, देखो यहां से इसमें आपके पास गिवन में है, ये आ गया 3-2-4, इसमें कहीं मिस्टेक है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन, यहां से -2 और ये -2 ही है भाई, तो -4 आएगा यार, ठीक है ना, क्लियर, -2 -2 -4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आगे देखें इसी के अंदर ही क्या करेंगे कि आपके पास क्या आ गया यहां से कि एबी A1 आपके पास क्या है 2, B1 आपके पास 5, C1 आपके पास -4 है, दैट इज सेकंड लाइन का। यहां से A2 है 3, B2 है 2, C2 है 4, आपको पता है ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 होता है। अब आपको ये देखना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2,
इसका हमें देखना पड़ेगा क्या आ रहा है आंसर, 2 × 3 + 5 × 2 यहां से होगा + −4 × 4, तो मेरे पास आ गया 6 × 10 − 16, 0 आ रहा है। अगर हमारा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 जीरो आए, ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर की होती है, सो AB परपेंडिकुलर टू CD, यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो वर्क होती आसान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। सबसे पहले आपको गिवन में है, हमारे पास जो भी गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमारे पास गिवन में है, वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है वो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, जो कि क्या है, x + 3/3 = y − 4/5 = z + 8/6, ये आपके पास गिवन है। ठीक है ना, हम इसका देखें कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर आर, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो डिनोमिनेटर में होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो है 3, 5, ठीक है, −6, ये आपके पास है 3, 5, −6। अब आपको क्या फाइंड करना है कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब हमें पता है कि लेट, हमें करनी है लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है, देखिए हमें उस इक्वेशन ऑफ है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पास कर रही है −2, −4, −5 से पास कर रही है, having position vector a vector, that is a vector आपके पास गिवन में क्या है −2i + 4j − 5k and position vector of parallel vector is m vector, हमने कंसीडर किया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको अच्छी तरह नोन है, वो क्या होगी, r vector is equal to a vector plus lambda m vector, यही आएगा। तो आपके पास r vector नोन है, क्या है, ये सॉरी a vector नोन है −2i + 4j − 5k + λ, और ये मेरे पास वेक्टर m है। अब आप देखिएगा m वेक्टर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें दे नहीं रखा, जब तक हमें m वेक्टर पता नहीं चलेगा तब तक हम इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए हमारा कंडीशंस क्या होती है, अगर हमारे पास ये जो लाइन है, हमारी लाइन सेकंड है, ये जो लाइन सेकंड पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन में है, ये हमें गिवन में है, और दैट इज, अगर आपको पता है लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे, आप ध्यान रखना। सो एम वेक्टर क्या होगा, जो हमारी लाइन फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो उसके इक्वल, फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो ये है, तो 3i + 5j + 6k, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट हमारा सेकंड से वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर −2i + 4j − 5k + λ, होगा 3i + 5j + 6k, तो ये हमारा हो गया जो आसानी है हम फाइंड कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हो, इजी है। अगर आप ध्यान रखना लाइनें पैरेलल होंगी, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो नहीं दे रखा हो तो सेम लेके चलना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप करना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखिएगा, आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन है, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर के मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है ना, ऊपर ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है 1 − x / 3, नेक्स्ट है 7y − 14,
बाई टू पी और उससे अगला है जेड माइनस थ्री बाई टू एंड लाइन सेकंड आपके पास गिवन है सेवन माइनस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू थ्री पी और ये है हमारा वाई माइनस वन फाइव बाई वन और ये है सिक्स माइनस जेड बाई फाइव। ये आपके पास लाइन है देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमें लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी होगी। तो देखो यहां से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊं, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। आप देखिए यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन होगा क्योंकि पहले वेरिएबल आएगा हमारा। यहां से सेवन हम कॉमन लेंगे तो वाई माइनस टू हो जाएगा और ये सेम आएगा जेड माइनस थ्री बाई टू। अब ये नंबर नीचे ले आएंगे तो यहां से दैट इज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस हम नीचे लेके आएंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। यहां से हम इसको सेवन को हटा देंगे ये नीचे आ जाएगा टू पी बाई सेवन लिख सकते हैं, ये आ जाएगा जेड माइनस थ्री बाई टू। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। आपको पता है इसका डायरेक्शन रेशियो क्योंकि अब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो पास कहां से कर रही है वन टू थ्री से जिसके डायरेक्शन रेशियो है माइनस थ्री टू पी बाई सेवन और टू। उसके बाद हम इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो आप देखिए माइनस सेवन को मान लेंगे हम यहां से माइनस सेवन को मान लेंगे तो ये होगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री पी राइट साइड में वाई माइनस फाइव बाई वन और ये माइनस को मान लेंगे तो जेड माइनस सिक्स बाई फाइव होगा। इसको हम सोल्व करेंगे देखो एक्स माइनस वन बाई थ्री पी ये माइनस सेवन हमारा नीचे आ जाएगा ये होगा वाई माइनस फाइव बाई वन ये भी माइनस नीचे ही आएगा माइनस फाइव। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। अब आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करनी है, उससे पहले आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट आर, लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है माइनस थ्री कोमा टू पी बाई सेवन कोमा टू ये है। फिर हम क्या लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड आर, सेकंड का डायरेक्शन रेशियो ये आएगा डिनोमिनेटर वाला थ्री पी बाई माइनस सेवन कोमा वन एंड कोमा माइनस फाइव। अब आपको कंडीशंस पता है इफ लाइन आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू हमारा जीरो होगा। अब बात आती है देखो ये ए वन होगा ये बी वन ये सी वन ये ए टू ये बी टू ये सी टू, तो यहां से क्या होगा देखो माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री पी बाई माइनस सेवन फिर क्या है टू पी बाई सेवन मल्टीप्लाई वन प्लस ये क्या है टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव और इक्वल टू जीरो। यहां से देखो इसको माइनस से माइनस कैंसिल नाइन पी बाई सेवन होगा ये टू पी बाई सेवन होगा ये माइनस टेन होगा या माइनस टेन को राइट में लेके जाओ प्लस टेन हो जाएगा। देखो इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा इलेवन पी बाई सेवन इक्वल टू टेन तो दिस इंप्लाइज इलेवन पी इज इक्वल टू सेवन पी तो पी आ जाएगा सेवन पी बाई इलेवन। तो ये हमारा जो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अप्लाई करके पी की वैल्यू आई है जो हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पॉइंट कर रही है। तो आसान है आप इजीली कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इसका लास्ट है क्या फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको अच्छी तरह नोन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अब देखिए फिर हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फाइव है। आपके पास गिवन में ये इक्वेशन गिवन है, आपके पास गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू वन माइनस टी आई कैप प्लस ये है टी माइनस टू जे कैप और इसमें है थ्री माइनस टू टी के कैप, ये आपके पास गिवन है। उसके बाद में जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू सेकंड मेरे पास इक्वेशन है वो ये है फाइव ये एस प्लस वन आई कैप प्लस अगला है टू एस माइनस वन जे कैप प्लस
उसके बाद है 2s plus 1 के कैप, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। अभी हम लोग देखें इसमें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? तो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो पहले मैं सेकंड को सॉल्व करता हूं r वेक्टर। देखो यहां से मैं लिख सकता हूं s i कैप plus 1 को i से करेंगे i कैप, यहां हो जाएगा 2s j कैप minus j कैप, यहां से हम करेंगे 2s k कैप प्लस के कैप हो जाएगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपको ये आई विदाउट एस वाले नंबर साथ में रखोगे जो कि पासिंग पॉइंट्स होते हैं, प्लस हमने एस को मल लिया है। देखो इसमें एस को मल लेंगे तो आई आएगा, इसमें लेंगे तो टू जे कैप आएगा, इसमें से ऐसे लेंगे तो टू के कैप आ गया, ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई सेकेंड को सोल्व किया था। सिमिलरली हम फर्स्ट को, अब हम फ्रॉम फर्स्ट पर आते हैं फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, r वेक्टर, देखो यहां से i को 1 से करेंगे i माइनस टी आई कैप, j को t से करेंगे टी जे कैप माइनस टू जे कैप, यहां से 3k कैप माइनस 2tk कैप। अब आपको क्या करना है, विदाउट t वाले नंबर से एक साथ ये i हो गया, ये माइनस 2j हो गया, यहां प्लस 3k कैप हो गया, टी आपको कॉमन लेना है, हम कंपेयर करेंगे फिर कॉमन लेने पर, यहां पर माइनस आई हो गया, यहां जे हो गया, यहां माइनस टू के कैप हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ विद, इससे करेंगे आर वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा बी वन एंड आर वेक्टर ए टू प्लस लैम्डा बी टू, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो आपके पास ए वन वेक्टर क्या है, जो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड लाइन है, यहां से ये है आई माइनस जे प्लस के। बी वन वेक्टर क्या है, जो हमारे पास ये एस का मल्टीपल है आई प्लस, यहां पर लैम्डा की जगह आप ले लो एस और यहां पर ले लो आप टी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, 2j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली आपको a2 देखना है, सेकंड लाइन पर आ जाओ, सेकंड लाइन में यहां ये a2 है i माइनस 2j प्लस 3k कैप आ गया, और b2 आपको देखना है b2, तो b2 आपके पास क्या है, इसमें b2 यहां है माइनस i प्लस j माइनस 2k कैप हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना है A2 minus A1, A2 में से A1 minus करेंगे, तो A2 आप लिख लीजिए minus I minus I minus 2J plus 3K cap minus A1 के sign opposite लेंगे हम, जैसे हम sign opposite लेंगे ये आ जाए, तो यहाँ से I minus I हो जाएगा 0I minus 2, ये minus, यहाँ से minus देखो 2J plus J आ जाएगा minus J cap 3 माइनस के आएगा 2 के कैप, ये आपका आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2 आपको फाइंड करना है, तो b1 क्रॉस b2 कैसे, यहां i यहां j यहां k रखेंगे, तो b1 आपके पास क्या है, कोफिशिएंट 1 2 2, यहां कुछ नहीं तो 1, b2 आपके पास क्या है, सॉरी हम गलत, यहां सही है b2, ये है माइनस 1 1 माइनस 2, तो i कैप हम लेंगे, रो कॉलम डिलीट करेंगे, माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा हमारा, फिर माइनस j लेते हैं, रो कॉलम डिलीट करें तो 1 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2, इसी प्रकार माइनस फॉर्मूले का लिखते हैं, माइनस 1 को 2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2, प्लस हम k लेंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस फॉर्मूले का लेंगे, 2 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 2 आएगा, तो प्लस 2 हम लिख सकते हैं, तो यहां से मेरा क्या आया माइनस 6 आई, ये होगा 0 जे और ये होगा प्लस 3 के, हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ये करना है डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट, तो देखो ये नंबर मेरे पास है ये और एक इनका डॉट, आई टू आई से करना
जीरो को माइनस सिक्स से करेंगे आएगा जीरो, हम क्या करेंगे यहां से माइनस वन को जीरो से करेंगे ये भी जीरो आ रहा है, टू को थ्री से करेंगे आएगा सिक्स, तो हमारा ये तो हो गया सिक्स। फिर हमें निकालना है बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्क्वायर रूट, ये है हमारा माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो हमारा ये आ गया अंडर रूट 45। तो आपके पास ये आ गया। अब अच्छी तरह आपको नोन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, देखो आपको अच्छी तरह नोन है किस टाइप से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो आप देखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अच्छी तरह पता है, मोड ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, ये आपका आएगा। तो इसकी वैल्यू आपको नोन है, मोड की वैल्यू देखो यहां सिक्स आएगा, तो मोड ऑफ सिक्स डिवाइडेड बाय रूट 45, तो ये आएगा सिक्स बाय अंडर रूट 45 यूनिट्स। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई कौन से क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इस लेक्चर में हमने आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करवाए, बाकी जो इसके अंदर सेम टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो हमने एग्जांपल्स में करवाए थे वो हमने यहां अटेम्प्ट नहीं करवाए हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है द प्लेन, उससे हम बेसिक्स और कॉन्सेप्ट हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।